हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कंप्यूटर ट्यूटोरियल लेके आया जिसमें से हम कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट क्रिएशन, बैकलिंक बनाना, मतलब मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करने वाला हूँ, जिसमें से आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे, उसके बाद हम उसको कंटेंट क्रिएशन करेंगे, उसके एसईओ करेंगे, उसके बाद हम बैकलिंक भी बनाएंगे। सारी चीज़ आपके सामने होने वाला है। इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना। जो भी बिगिनर, उसके अंदर से बहुत सारे डाउट होता है, हम बैकलिंक कैसे बनाएं, हम एसईओ कैसे करें, उसके बाद कीवर्ड कैसे फाइंड करें, उसके बाद बैकलिंक कितना बनाना है ये भी पता लगाना है, मेरा कॉम्पिटिटर कौन कौन है, कितने वर्ड का चाहिए। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट सोल्यूशन दूंगा। तो इस वीडियो थोड़ा सा तो लंबा होने वाला ही है दोस्तों। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च सीखना है, उसके बाद कंटेंट क्रिएशन मैं कैसे करता हूँ, उसके बाद उसकी एसईओ करना है, उसके बाद आपका बैकलिंक भी बना के दिखाऊंगा, डू फॉलो नो फॉलो जो भी बनाता हो उसके हिसाब से, जो वेबसाइट के हिसाब से। तो वीडियो को पेशेंस रखना, और वीडियो को देखते टाइम पेशेंस रखना, हर स्टेप को फॉलो करना और लास्ट तक देखना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हमेशा रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। सो फ्रेंड्स, मेरे पास एक मोबाइल कंपैरिजन वेबसाइट है जिसमें से ज्यादातर यूएस से ट्रैफिक आता है। तो उस वेबसाइट के लिए मैं आज आपके सामने एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करूंगा और उसमें बैकलिंक, कीवर्ड रिसर्च, मतलब एसईओ हर चीज करेंगे आपके सामने। और मैं कुछ दिन बाद जैसे रैंक हो जाए मेरा ब्लॉग पोस्ट, तो आपकी मैं यूट्यूब का जो कम्युनिटी टैब है उसमें डाल देंगे, आप भी चेक कर सकते हो उसको। तो ये सारे चीज आपके सामने होने वाला है। तो मैं कोई पेड टूल यूज कर रहा हूँ, SEMrush। आपके पास अगर 200 रुपीज है तो आप टूल जब से खरीद सकते हो, एक महीने के लिए 200 199 से ले सकते हो, तो ये पेड है। और आप RFs भी ले सकते हो, तो ये दोनों सेम है। तो RF जो टूल होता है वो थोड़ा एडवांस होता है और ये आपके साथ थोड़ा बहुत सस्ता हो जाता है। तो मैं कीवर्ड बीओ में आऊंगा, उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। मैं मेरा जो ट्रैफिक आता है ज्यादातर यूएस से आता है, तो मैं ये काम करता हूँ, मैं यूएस को टारगेट करूंगा। तो यूएस मेरा ऑलरेडी यहाँ सिलेक्टेड है और मैं कोई भी एक मेरा मोबाइल कंपैरिजन वेबसाइट, तो मैं आईफोन सिलेक्ट कर लेता हूँ। आईफोन सिलेक्ट कर इसके ऊपर मैं एक आर्टिकल्स बाकी ब्लॉग पोस्ट लिखने वाला, तो उसमें सर्च में क्लिक करता हूँ। सर्च में जैसे मैं क्लिक करूँ तो इसमें जो सर्चेस आ रहे हैं, मेरे को जो चीज़ यहाँ से पिक करना है वो यहाँ से कीवर्ड वेरिएशन से। तो कीवर्ड वेरिएशन से आप तो हाउ टू स्क्रीन रिकॉर्ड आईफोन देखो, ये 61 कीवर्ड डिफिकल्टी, वो छोड़ो। तो हमको कीवर्ड वेरिएशन व्यू ऑल कीवर्ड, यहाँ से मैं क्लिक करूंगा, कीवर्ड वेरिएशन में मैं जाऊंगा और यहाँ से मैं पिक करूंगा कीवर्ड जिसमें से मैं आपके, अगर ब्लॉग नया है जिसमें आपको कोई बैकलिंक पहले से नहीं है, आपका DAPA बिल्कुल जीरो है, तो आपको सुपर इजी कीवर्ड फाइंड करना है। जैसे आपको बैकलिंक धीरे धीरे ग्रो करते जाए, जैसे बैकलिंक आपका DAPA मतलब 20-25 से ऊपर पहुंच जाए, उसके बाद आप थोड़ा बहुत इजी, मतलब थोड़ा बहुत की डिफिकल्टी 30-40 के आसपास आप ले सकते हो। उससे पहले आपको 14-15 या 10 तक आप ले सकते हो की और डिफिकल्टी। तो मैं आपको सुपर इजी करूंगा क्यों, मेरे को रैंक भी कराना है आपके सामने। तो एक बार कॉन्फिडेंस लेवल अगर आ जाए, जी मैं एक आर्टिकल्स लिखा पूरा परफेक्ट और उसको मैं रैंक कराया, उसके बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। तो मैं सुपर इजी ले लेता हूँ कीवर्ड डिफिकल्टी सुपर इजी, और आपको सुपर इजी में मैं दिखाऊंगा। तो उसके बाद से मैं देखो 4000 है। अभी मैं यहाँ से कोई भी एक कीवर्ड फाइंड करता हूँ, तो जिसमें ट्रैफिक बोलूँ सर यूएस से आता है, 4000 है, 8 है ये एडीमी मॉनसून वॉलपेपर आईफोन, पिंक आईफोन 33 PNG, कोई बात नहीं। मैं यहाँ से ले लेता हूँ जिसमें से कोई भी कीवर्ड जिसमें ठीक ठाक है, 10 से 12 तक कीवर्ड डिफिकल्टी। तो आईफोन 14 प्रो मैक्स की इन देखो इसकी इस कीवर्ड के ऊपर चलते हैं हम। इसकी जो कीवर्ड है इसकी बैकलिंग एक बार चेक कर लेना पड़ेगा, क्यों मेरे को एकदम इजी चाहिए, जिसके लिए मेरे को सीख लगे सर CPC ठीक है और इसमें यू एक्स 880 आता है मंथली, कोई बात नहीं। इसकी और डिफिकल्टी 20 है और स्कीन है इसके में, जो इसके जो फर्स्ट वेबसाइट है इसकी बैकलिंग है 3 बनाया, इसके रिफल डोमेन है 2 और इसकी 3 बैकलिंग है, तो मेरे को 4-5 बैकलिंग बनाने से हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी बैकलिंग पे क्लिक करूं, तो एक बार मैं इस कीवर्ड के पर जो वेबसाइट है इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। तो जो कीवर्ड है मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, ये जो फर्स्ट वेबसाइट है सही कि नहीं, dbrand.com, इस वेबसाइट को मेरे को चेक करना है। तो मैं यह चेक करता हूँ, पेस्ट देखता हूँ इस वेबसाइट का। तो dbrand वेबसाइट सेकंड पोजीशन में आ रहा है,
तो इस वेबसाइट का मेरे को एक बार डीएपीए चेक करना है, तो मैं इसको करूंगा कॉपी, कॉपी टू लिंक एड्रेस, उसके बाद मेरे को चेक करना है डीएपीए। डीएपीए चेक कर लेते हूँ इस वेबसाइट का मैं, इसके मेरा मेरे अगर कंपिटिटर थोड़ा बहुत हाई लेवल में होगा तो मैं इसको इसको बिट नहीं कर सकता हूँ, तो इसको मैं कर लेता हूँ। यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ इसकी जो डीएपीए है उसको एक बार चेक करना जरूरी होता है, उसके बाद मैं इसको चेक करता हूँ, देखते हो कितना पुराना है। इसकी 5160 स्पैम स्कोर इतना है, ठीक है, इस वेबसाइट का बीट कर सकते हो आप, इसकी हाई है, लेकिन आपकी थोड़ा बैकलिंक ज्यादा बनाना पड़ेगा, तो इसमें मायने नहीं रखता, इसमें भी मायने रखता है आपके हिसाब से, लेकिन इसमें जो कीवर्ड डिफिकल्टी है इसमें 12 है, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अभी इस पोस्ट में चलते हैं हम, इस पोस्ट जो पोस्ट इसे इन्होंने लिखा है, इस पोस्ट पे एक बार चलते हैं। इस पोस्ट कितने वाट का लिखा है या कैसे लिखा, आईफोन प्रो मैक्स, ये पूरा एक स्किन का जो है उसी का वेबसाइट है, इसमें ओनली स्किन और वॉलपेपर बिकता है, तो ये वेबसाइट भी ठीक है। इससे तो इसके ऊपर ही हम करेंगे हमारा, ठीक है ये भी अच्छा, ठीक है। उसके बाद स्टॉक आया है, फ्लिपकार्ट आया है, उसके बाद फ्लिपकार्ट आ गया, ये आ गया, ठीक, ओके, कोई बात नहीं। तो इस वेबसाइट को मैंने एक बार चेक कर लिया, उसके बाद मेरे को क्या करना है, मैं इस कीवर्ड को एक बार यहाँ सेव कर लेता हूँ, iPhone 14 Pro Max स्किन, तो इसके ऊपर मेरे को लिखना है। तो ये मेरा कीवर्ड डिफिकल्टी हो गया, मैं इसको बैकलिंक बनाऊंगा, इसको मैं बैकलिंक लिख देता हूँ, बैकलिंक मेरे को बैकलिंक कितना चाहिए, बैकलिंक मैं 5 कर लेता हूँ, उसमें 3 है तो मैं 5 बैकलिंक बनाऊंगा। उसके बाद इसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में कितना था, 880 इतना था, ये मेरे कीवर्ड रिसर्च हो गया, इतना ही आप मेरे को करना है, 3 बैकलिंक से इसमें जो सर्च ट्रैफिक आ रहा है इतना, अच्छा ठीक है। तो ये हो गया मेरा कीवर्ड रिसर्च, अभी हम चलते कंटेंट क्रिएशन में, कंटेंट कैसे बनाना है, कैसे लिखना है। सो फ्रेंड्स, मैं सेकेंड वेबसाइट पे आया, इसमें मेरे को आउटलाइन क्रिएट करना है, मेरे को जो हेडलाइन वगैरह बनाना है उसकी आउटलाइन जो क्रिएट करना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, आपको पहले आउटलाइन का पता होना चाहिए, उसके बाद आप आउटलाइन क्रिएट कर सकते हो। तो आपको इस वेबसाइट फ्री है, richtray.me, आप इसमें जीमेल आईडी से लॉग इन कर सकते हो और इसमें आप आउटलाइन क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ जो स्क्रीन है इसको मैं करूँगा यहाँ पेस्ट। इस वेबसाइट में आना है आपको, यहाँ जाके ब्लॉग और आउटलाइन आईडी को सिलेक्ट करना है, यहाँ जाके जीमेल में आपको जो जीमेल आईडी है उसमें आप लॉग इन करना है। तो वेरिएंट में हाई कर देता हूँ, और जो क्रिएटिविटी लेवल हाई है, और वेरिएंट ऑन वेरिएंट करता हूँ, इसमें रिट्रेम ही करूंगा। तो ये वेबसाइट मेरे को एक आउटलाइन का आइडिया दे देगा जिसके ऊपर बेस करके हमें, तो मेरे को दे दिया है। अभी इसको मैं क्या करता हूँ, पूरी को इसको मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करके जस्ट मैंने जहाँ अपना बैकलिंक कीवर्ड को रखा था, मेन की फोकस कीवर्ड को, उसको मैंने पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी इसकी आउटलाइन आ गया, इसमें आउटलाइन जो मैं बनाना चाहता हूँ इसमें आउटलाइन भी आ गया। तो आउटलाइन मेरे को इसके अंदर जो कीवर्ड है ये भी है, उसके बाद ये फर्स्ट आया डिजाइन का, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइन ये आया है, ये आया है इसके अंदर, ये मेरा हेडलाइन है। तो फर्स्ट लाइन जो हेडलाइन, एवरीथिंग नीड टू नो अबाउट आईफोन प्रो मैक्स स्कीन, ऑल गाइड टू, थोड़ा ये लंबा, आपको हमेशा ना लॉन्ग टेल कीवर्ड लेना है, और इंट्रोडक्शन में व्हाट आर द आईफोन मेन्स टू ऑन विन यू स्किन आईफोन 14 मैक्स, और डिफरेंट टाइप ऑफ आईफोन 14 मैक्स अवेलेबल, ठीक है, हाउ टू चूज परफेक्ट स्किन, अच्छा बाइंग गाइड, ओके। तो मेरे को क्या क्या चीज़ मिला, पहले मेन कीवर्ड बैकलिंग इतना बनाना है, इसकी वॉल्यूम इतना है, और मेरे को आउटलाइन मिल गया, तो इतना तक मेरे को कलेक्शन है का। अभी मेरे को कंटेंट क्रिएट करना है। सो मेरा जो नेक्स्ट वेबसाइट है चैट जीपीटी, इसमें से मैं कंटेंट क्रिएट करूंगा। दोस्तों चैट जीपीटी एक यूनिक मतलब कंटेंट क्रिएट करके देता है, आप अगर आपकी ब्लॉग में एडसेंस अप्रूवल नहीं मिला तो थोड़ा इसको आप रिराइट भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैं बताऊंगा कम्प्लीटली इसको यूज़ करो, लेकिन मैं यूज़ करता हूँ, मेरे साइड में एडसेंस अप्रूवल है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, और इसमें थोड़ा सा अपना जो वर्ड डाल सकते हो उसमें। तो हम चलते हैं फर्स्ट कंटेंट क्रिएशन में। तो इसमें चैट जीपीटी एक ऐसे वेबसाइट है जिसमें से आप कोई भी चीज़ कर सकते हो, इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए, इसमें टेबल बना सकते हो, इसके अंदर एचटीएमएल कोडिंग से आप कंपैरिजन वेबसाइट की टेबल
टेबल बना सकते हो, उसके बाद इसके अंदर आप इमेजेस बना सकते हो, फोटो बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। उसके बाद जावा, पाइथन कोड, उसके बाद ऐप डेवलपर, सब कुछ काम कर सकते हो। तो इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करना, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें मैं पहले लिखता हूँ हेलो, ये एक चैटिंग सिस्टम है जिसमें आपको हर डिटेल्स मिल जाता है। तो मैं इसको लगता हूँ हेलो। तो फर्स्ट मेरे को यहाँ जो सवाल करना है ये एक ध्यान से करना है, जैसे व्हाट आर द आईफोन प्रो मैक्स शुड बी इन्वेस्ट, इंट्रोडक्शन व्हाट आर द आईफोन प्रो मैक्स स्कीन एंड व्हाई शुड वी इन्वेस्ट ऑन। देखो इसमें आईफोन प्रो मैक्स मेरे को क्यों खरीदना है, इसके ऊपर क्यों इन्वेस्ट करना है। तो पहले मेरे को एक सवाल है, एक मेरे को इंट्रोडक्शन लेना है, व्हाट इज, मेरे को लिखना है व्हाट इज आईफोन प्रो मैक्स स्कीन प्लीज एक्सप्लेन एक्सप्लेन मी डिटेल। यहाँ आपको सही से लिखना है, नहीं तो ये आपको डिटेल्स में नहीं बताएगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ इसको व्हाट इज आईफोन 14 प्रो मैक्स प्लीज एक्सप्लेन मी डिटेल्स, तो ये चैट जीपीटी आपको पूरा एक्सप्लेन करेगा। सो ये अपना जो इंट्रोडक्शन, देखो इतना बड़ा वर्ड का दे दिया। ओके फर्स्ट मैं सेकेंड टाइम इसको यहाँ रहने देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, यही रखना है, इसको मैं कॉपी पेस्ट बाद में करूंगा। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन मेरे को ले ले, अभी मैं व्हाट आर द आईफोन स्कीन व्हाई शुड आई इन्वेस्ट फॉर यू। तो फर्स्ट फर्स्ट जो टर्म्स है, फर्स्ट जो हेडिंग है, मैं इसको ले लेता हूँ और इसमें मैं इसको पेस्ट करता हूँ। फर्स्ट हेडिंग, तो इसको मैं लिखता हूँ व्हाट आईफोन 14 मैक्स स्कीन है व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन ऑन। तो देखो ये क्या बताता है, सो फ्रेंड मैं सेकेंड जो हेडिंग है उसकी बारे में भी जानकारी ले लिया, मेरे को थर्ड हेडिंग में क्या है ये भी बताना पूछना है। बेनिफिट यूजिंग स्कीन आईफोन प्रो मैक्स स्किन्स ऑफ इतना। तो एक काम करते हैं, मैं वीडियो को थोड़ा पॉज करके ये सारे कुछ मैं चैट जीपीटी से लिख लेता हूँ, उसके बाद आपके सामने बताऊंगा कैसे मैं इश्यू करता हूँ। सो फ्रेंड्स चैट जीपीटी मेरे को कम्प्लीट लिख दिया है चीज को, आप सोच नहीं सकते, चैट जीपीटी जो है इतना बढ़िया लिख देता है, आप सोच नहीं सकते हो। अब इसको मैं चेक करके प्लैगरिज्म चेक की करके दिखाऊंगा और मैं इसको एसईओ करूंगा भी। तो हम चलते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट में। सो फ्रेंड्स मैं अगर वर्डप्रेस वेबसाइट में अभी आपको कंटेंट मैंने एसईओ करके दिखाऊंगा कैसे इसको करना है। उसके बाद मैं फर्स्ट मैं चलते है मेरा जो मेन कीवर्ड है इसको मैं यूआरएल में रखूंगा, सबसे बेस्ट होता है, तो मैं इसको टाइटल में देता हूँ। मैं टाइटल अभी क्रिएट नहीं कर रहा हूँ कि मैं उसे सेव करूंगा, मेरा यूआरएल क्रिएट होगा। तो मेरा यूआरएल क्रिएट है आईफोन 14 प्रो मैक्स स्कीन। ओके अभी मैं स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो फर्स्ट मैं यहाँ से कॉपी करूंगा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, मैं इसको पूरा कॉपी कर लूंगा और मैं यहाँ करूंगा पेस्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा जो आता है, नेक्स्ट जो पार्ट है मैं क्या करूंगा, व्हाट आर द आईफोन जो नेक्स्ट पार्ट है मैं इसको लूंगा सब हेडिंग, हेडिंग में सब हेडिंग जिसको बोलते हो आप, मैं इसको हेडिंग में लूंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट पोर्शन को बनाऊंगा, नेक्स्ट जो पोर्शन मेरे पास था मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और ये पूरा यहाँ से उठा लूंगा। तो फर्स्ट वाला हो गया, सेकेंड हो गया मेरा यहाँ तक। उसके बाद मैं आऊंगा, उसके बाद मेरे को क्या करना है, बेनिफिट ऑफ यूजिंग स्किन्स ऑफ योर आईफोन प्रो मैक्स। ओके मैं इसको भी एक हेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ, इसको एक H2 दे दूंगा, इसको भी H2 दे दूंगा। उसके बाद मैं आऊंगा, उसके बाद नीचे तो मेरा लगभग आर्टिकल्स कंप्लीट हो गया। तो यह मैं एसईओ में जाते हैं, मेरा इसमें 1209 वाट का हुआ जो आर्टिकल्स है। अभी मेरे को क्या करना है, जो फोकस कीवर्ड है, मैं फोकस जो कीवर्ड है आईफोन प्रो मैक्स स्कीन्स, इसको मैं डालूंगा फोकस कीवर्ड में, फोकस कीवर्ड में मैं डालता हूँ। मेरा एसईओ स्कोर पहुंचा 68। ओके इसको मैंने अभी
सब कुछ ठीक ठाक करना है। तो इसके बारे में जो मैं फर्स्ट लिखा था, एवरीथिंग टू नीड टू नो अबाउट आईफोन प्रो मैक्स स्क्रीन ऑल गाइड, तो मैं एवरीथिंग यू नीड टू नो ऑल गाइड टू आईफोन इंटीज्यू पूरा यहाँ तक मैं इसको कॉपी करता हूँ, और मेरा जो टाइटल है मैं टाइटल में इसको डाल देता हूँ। तो मेरा टाइटल अभी थोड़ा लॉन्ग टाइटल लूंगा जो मेरा रैंकिंग में बेनिफिट मिले। तो ये बहुत ज्यादा हो गया मेरे हिसाब से, टाइटल थोड़ा लॉन्ग हो गया। द एवरीथिंग नीड टू नो अबाउट आईफोन प्रो स्क्रीन ए गाइड फॉर ऑल एंथुसियास्ट, तो मैं यहाँ तक रखता हूँ, जो ज्यादा लंबा हो गया तो यहाँ तक रखूंगे। तो मेरा एसी स्कोर 68 में पहुंचा, और मैं बाकी बाकी अभी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो इसमें मेरे पास फर्स्ट आईफोन प्रो मैक्स का कोई ये मोबाइल कंपैरिजन वेबसाइट है, तो मैं एक बार चेक करता हूँ मेरे पास प्रोडक्ट में। तो मेरे पास एक आर्टिकल्स पड़ा है, मतलब प्रोडक्ट पड़ा है, तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, और मैं यहाँ इसको इंटरनल लिंक कर दूंगा। तो एक एसईओ का सिस्टम है, तो ओपन एंड सेम टैब कर देते हैं, न्यू टैब भी कर सकते हो आप इसको। तो मेरा एसईओ इसको 72 पहुंचा। अभी मैं हर चीज को मैं दे चेक करता हूँ यहाँ क्या क्या इरोर है मेरे साथ। तो यह फर्स्ट है एड इमेज, ये ऑटोमेटिक हम देख लेंगे, पहले मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। उसके बाद मैं यह चेक करता हूँ यह जो क्वालिटी है फर्स्ट या सेकंड, इसको मैंने बेनिफिट को इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, इसको देखने में आपको सही होना चाहिए। और मैं इसको जो कलर है फर्स्ट वाला स्किन, इसको बोल्ड करके इसकी जो हाईलाइट है मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, तो देखने में ठीक लगता है, किसी का नज़र में आता है और ढूंढने में भी आसान होता है। तो आपको जस्ट इसको पूरा ए टू जेड मैं जो बता रहा हूँ वैसे ही करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये आर्टिकल्स कम से कम 1 घंटा लगा मेरे को बनाने में। तो इसमें मैंने क्या क्या यूज़ किया मैं बता रहा हूँ। इसमें थोड़ा कलर करेक्शन मैंने किया, तो एट्रैक्टिव होता है बंदा जब फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन या थर्ड पैरा पढ़ता है, तो ये थोड़ा कलर करेक्शन मैंने उसको समझने में, कोई व्यूअर्स है अगर उसको मतलब वो इजी टू रीड होना चाहिए, मतलब रीडेबल होना चाहिए, हर चीज़ के बारे में रीड होना चाहिए। मैंने यहाँ इंटरनल लिंकिंग किया है अपना वेबसाइट का, और जो कुछ विकिपीडिया से कुछ लिंकिंग किया, जैसे मैं जब भिन्सी स्किन, उसके बाद सिलिकॉन स्किन, जेनियस लेदर स्किन क्या चीज़ होता है, टेक्सचर स्किन क्या चीज़ होता है, क्लियर स्किन, इसकी इंटरनल लिंकिंग कर दिया, सॉरी आउट आउटबाउंड लिंक जिसको बोलते हैं, विकिपीडिया से किया। उसके बाद मैंने 5 टॉप 5 आईफोन प्रो स्किन्स डाला, और इसमें अमेजोन एफिलिएट का लिंक लगाया। तो आप समझ रहे हो 5 क्यों दिया मैं, आप 10 भी दे सकते हो। 5 देने से ज़्यादा चूज करने में फायदा होता है, क्यों कोई भी व्यूअर्स मैंने एक चीज़ फॉलो किया, जैसे इस बाई ऑन अमेजोन से जाएगा ना, ये इस कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर लेता है, ओनली आईफोन जो केसेस होता है प्राइस परचेस नहीं करता, सब कुछ परचेस करता। मैंने 2000 वीडियो में आपको दिखाया, अगर इस लिंक से घुसता है वो, अगर और कुछ भी खरीद सकता है। तो ये लिंक से लिंक कैसे लगाना है, आप इस जो टेबल बिल्डर मैंने WP वर्डप्रेस टेबल बिल्डर मैंने यूज़ किया फ्री वाला प्लगइन, और ये समय मैं इसको और भी आपको बताता हूँ। इसके मैंने 83 तक इसका बनाया जो एसयू स्कोर, आप भी बना सकते हो, बहुत ही ईजी है, आपको थोड़ा बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो इसको मैंने एक बार प्रीव्यू में चलते, जो प्रीव्यू है इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, जो प्रीव्यू इसको कैसे बन रहा है। मैं इसको एक इमेज जो इसमें, और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसमें जो मैंने यूएस फिट किया ये 600 बाई 600 पिक्सल का है, और इसमें और कोई ऐसे कुछ नहीं है जो बताने लायक नहीं है, मैं सब कुछ आप लोगों को सच शेयर कर रहा हूँ। अभी ये जो पोस्ट मैंने क्रिएट कर लिया, इसको मैंने अभी करेंगे पब्लिश, उसके बाद हम चलते हैं बैकलिंक की तरफ, कैसे बैकलिंक क्रिएट करना है। सो फ्रेंड्स, बैकलिंक कैसे क्रिएट करना है मैं आपको लोगों को बताता हूँ। पहले बैकलिंक आपको जब से आप क्रिएट करते हो, आपको एक चीज़ बता देता हूँ, और डू फॉलो बैकलिंक के लिए आप तो ब्लॉगर यूज़ कर सकते हो, और नो फॉलो के लिए फेसबुक पेज आप यूज़ कर सकते हो, उसके बाद कोरा का स्पेस ही यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको एक दो वेबसाइट है जिसमें नो फॉलो बैकलिंक देता है, तो 2-4 आपको हाई अथॉरिटी वेबसाइट से नो फॉलो बैकलिंक क्रिएट करना पड़ेगा। तो जैसे फेसबुक पेज में मैं नहीं बताया कि बहुत इजी है, उसके बाद कोरा में स्पेस ही क्रिएट करके उसके अंदर भी डाल सकते हो लिंक। तो और मेरे डू फॉलो बैकलिंक के लिए आपको क्या करना है,
देखो ये ट्रिक्स कोई नहीं बताएगा आपको, जाना है कोई भी आपको ब्लॉक क्रिएट करना है, मैं इसमें से छः, 1 2 3 4 छः छः ब्लॉक क्रिएट किया है, इसमें से मैं 6 बैकलिंक बनाऊंगा। आपको जस्ट एक बैकलिंक बना के दिखाता हूँ कैसे बैकलिंक बनाना है, आपको कोई पोस्ट नहीं क्रिएट करना है, आपको कैसे बैकलिंक। मैं इस पोस्ट व्यू ब्लॉक की पर जाता हूँ और भी एक चीज़ आपको चेक करके देता हूँ, प्लीज़ एवरी को लास्ट तक देखना। तो ये सारे बैकलिंक्स है, तो मैं क्या करूँगा इसमें लेआउट में जाऊँगा, लेआउट में जाने के बाद आपको ऐड गैजेट के इसमें लिस्ट लिंक में जाना है, इसमें एडिट करना है, एडिट करने के बाद आपको जाना ऐड न्यू आइटम में, उसके बाद आपको लिंक कैसे लगाना है, हर एक आप 6 ऐसे ब्लॉक 6 7 20 भी बना सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ जस्ट साइट नेम डालना है और आपको URL यहाँ डालना है, ठीक है। तो ये एक बैकलिंक डू फॉलो बैकलिंक बन गया, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग डू फॉलो बैकलिंक बनता है। और मैं अब इससे पहले एक मैंने वीडियो डाला था जिसमें बताया था जो ये जो बैकलिंक आप बना रहे हो जो साइट को, इसको गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना तो आपको बैकलिंक भी इंडेक्स हो जाता है गूगल में, तो ज़रूर इसको हो गया। तो मैं इसको आपको चेक करा देता हूँ, या अगर मैं इसको ब्लॉग में चलते हैं तो ये डू फॉलो बैकलिंक क्रिएट होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आईफोन प्रो मैक्स, इसको मैं इंस्पेक्ट में जाता हूँ तो ये देखो कम्प्लीटली डू फॉलो बैकलिंक क्रिएट देता है। तो नो फॉलो के लिए बताए ऐसे आपको 5 6 बैकलिंक क्रिएट करना है, जैसे ये फर्स्ट बना दिया, आप इसमें 10 भी बना सकते हो, तो 10 आपको डू फॉलो बैकलिंक हो गया और आप फेसबुक हो गया, कोरा हो गया, ऐसे आप नो फॉलो बैकलिंक बना सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, इसमें से कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताएं, स्पेशली उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। और ये जो मैंने अभी जो बना रहा हूँ इसको भी जैसे रैंकिंग हो जाएगा तो आपकी कम्युनिटी पेस्ट टैब में मैं डाल दूंगा। अभी इस जो मैं ब्लॉग पोस्ट लिखा है इसको भी देख लेना। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, धन्यवाद।